हेलो दोस्तों, हमारी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीले में एक गिलास मिल्क लिया है, और जब मिल्क में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से स्पून से मिक्स कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर अब मैंने मिल्क में कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया है, और कॉर्नफ्लोर के घोल को भी हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का घोल मिल्क में ऐड करना है, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी जो रबड़ी है वो थिक हो जाएगी। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट में लंबी शेप में कट की हुई काजू, लंबी शेप में कट की हुई बादाम और कुछ पिस्ता ऐड की है, और अब हम इसको अच्छी तरीके से रबड़ी में मिक्स कर देंगे और 1 मिनट इसको लो फ्लेम पर और पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। 10 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली हुई हैं, और एक चाकू से ब्रेड को हमको इस तरीके से कट करना है। इसको इस तरीके से कट करने के बाद में फ्रेंड, ये देखिए हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल परफेक्ट कट हो चुकी है। अब एक तवे पर हम कुछ बटर ऐड करते हैं और इसको चारों तरफ तवे पर फैलाते हैं, और ब्रेड का टुकड़ा रख करके बटर में इसको लाइट ब्राउन होने तक सेकते हैं। 2 मिनट के बाद हम फ्रेंड इसको पलट के देखेंगे। हमारा ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो ब्रेड का टुकड़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, और पीछे से पलट के भी देखा तो ये दोनों ही तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसी तरीके से सारी ब्रेड के टुकड़े को हम सेक लेंगे, और ये जो चाशनी है एक तार की चाशनी है, और इसको एक स्पून से हम अपने ब्रेड के टुकड़ों पर इस तरीके से डालेंगे जिससे ये मीठी और रसीली हो जाएंगी। चाशनी की जो रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जो हमने रबड़ी तैयार की है वो हम अपने जो ब्रेड के शाही टुकड़े हैं उन पर रबड़ी को इस तरीके से हम चारों तरफ से डालते हैं एक स्पून से। और अब हम इसमें कुछ टूटी फूटी और कुछ बादाम काजू जो कि हमने लंबे शेप में कट किए हुए हैं उस गार्निश के लिए डालते हैं, और अब इसमें कुछ हम स्प्रिंकल डालेंगे जिससे कि हमारा जो शाही टुकड़ा है वो देखने में और भी सुंदर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो शाही टुकड़ा है वो काबिले तारीफ़ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और खाने का मन होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।